दिल्ली के मयूर विहार फेस वन स्थित श्री शुभ सिद्धि विनायक मंदिर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने संगीत की प्रस्तुति दी और ये कार्यक्रम शुभ सिद्धि विनायक मंदिर और कर्नाटक संगीत सभा ने मिलकर आयोजित किया। वहीं मंदिर के सचिव जे रघुराम जी ने भी मंदिर के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस मंदिर में नॉर्थ और साउथ में कोई फर्क नहीं है, यहाँ सब एक समान है। उन्होंने कहा कि जैसे बिहार में छठ महापर्व मनाया जाता है, वैसे ही उसी प्रकार से उसी समय ये पर्व स्कंदपष्टी पर पर्व मनाया जाता है, जो भगवान कार्तिकेय के लिए किया जाता है। आज यानी शनिवार के दिन भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो मंगलवार को समाप्त होगा। अभी ये मंदिर है, ये शुभ सिद्धि विनायक मंदिर है, मयूर विहार फेस वन में है। ये 35 साल की पहले 1989 में स्टार्ट हुआ है, 1990 में रजिस्टर हुआ है। और जो बनाया था उस टाइम पर क्या है, ये जो हमारा साउथ इंडियन कम्युनिटी के लिए एक मंदिर होना चाहिए था। दिस वाज द फर्स्ट टेम्पल हियर, हमारा साउथ इंडियन कम्युनिटी मद्रास पर्टिकुलरली फ्रॉम तमिलनाडु, उनके लिए एक जगह होना था वर्शिप के लिए, जो अपना कल्चर को आगे लेके जाने के लिए, और हमारा जो लोग उस टाइम पर जो दिल्ली में था सबको इकट्ठा होने के लिए एक जगह चाहिए था, उसीलिए ये मंदिर बनाया था। और ये इस मंदिर में हर साल में इस टाइम पर दीपावली के बाद में जो षष्ठी का सेलिब्रेशन होती है, 6 दिन का स्कंद षष्ठी बोलते हैं, जो यहाँ नॉर्थ इंडिया में जो छठ बोलते हैं वो हम लोग स्कंद षष्ठी बोलते हैं। उसका जो मेन अर्थ है, जो मुरुगन जी ने सूर्य समारंभ करता था यहाँ तिरुचेंदूर एक जगह है तमिलनाडु में। ये तो मंदिर तो मंदिर चला रहे हैं, ये यंग आर्टिस्ट को इंकरेज करना है, इसलिए हम प्रोग्राम बनाए हैं। और यंग आर्टिस्ट और कर्नाटिक म्यूजिक में, हरिकथा में, हिंदुस्तानी म्यूजिक सब में यंग आर्टिस्ट, अप एंड कमिंग आर्टिस्ट को हम इंकरेज करना है सबको। देखिए आपको बताते चले कि मंदिर के सचिव जे रघुराम जी ने मंदिर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस मंदिर में नॉर्थ और साउथ में कोई फर्क नहीं है, यहाँ सब एक समान है। उन्होंने कहा कि जैसे बिहार में छठ महापर्व मनाया जाता है, वैसे ही उसी समय पर यहाँ पर षष्ठी का जो आयोजन है वो भी किया जाता है, और जो भगवान कार्तिकेय के लिए किया जाता है। और साथ ही आपको बताते चले कि कार्यक्रम शनिवार के दिन शुरू हुआ और कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो कि मंगलवार को समाप्त होगा। दरअसल बिहार में छठ महापर्व मनाया जाता है, वैसे ही उसी समय पर यहां पर स्कंद षष्ठी का पर्व मनाया जाता है। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बलौदा बाजार के दशहरा मैदान में कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। इसके साथ ही बलौदा बाजार में बीएड महाविद्यालय प्रारंभ करने और ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कार्यक्रम में बलौदा बाजार भाटापारा जिले के लिए 60 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत के अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है, और इन कार्यों में से 32 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत के 16 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 27 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत के 32 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, सांसद कमलेश जागड़ी और विधायक उपस्थित रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी रायपुर दक्षिण उप चुनाव के चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटी हुई है और उप मुख्यमंत्री अरुण साव शनिवार को टिकरापारा के भैरव नगर में साहू समाज के दीपावली मिलन समारोह में शामिल हुए। सीएम ने यहां पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव रायपुर दक्षिण के विकास के लिए है। भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने 5 साल छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ की दुर्दशा कर दी है और विकास के सभी काम ठप हो गए हैं। रायपुर में आयोजित एक भव्य रोड शो में आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल के साथ विधायक और पूर्व मंत्री राजेश मूढ़त के नेतृत्व में जनसैलाब उमड़ पड़ा है और साथ ही वामन राव लाखी वार्ड, कुशालपुर भवत माता कर्मा वार्ड और साथ ही आपको बताते चले कि यहां पर आम जनता ने भी हिस्सा लिया। बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी को विजयी बनाने का संकल्प लिया। इस शो के दौरान जगह जगह ब्रजमोहन अग्रवाल, राजेश मूढ़त और सुनील सोनी मातृशक्ति द्वारा पुष्प वर्षा की गई और आरती उतारकर उनका स्वागत किया गया। विशेष रूप से मातृशक्ति की उपस्थिति ने रोड शो को विशेष ऊर्जा और समर्थन प्रदान किया है। रैली के बाद में ब्रजमोहन अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि रायपुर दक्षिण चुनाव के अंतिम चरण में भारतीय जनता पार्टी अब माइक्रो मैनेजमेंट के द्वारा मतदाताओं से संपर्क साध रही है। उन्होंने कहा कि मंत्री विधायकगण और कार्यकर्ता घर घर पहुंच रहे हैं। इंडियन रोड्स कांग्रेस का 83वां अधिवेशन छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में भी विशाल डम तैयार किया गया है जिसमें कई प्रकार के टेक्निकल एग्जीबिशन लगाए गए और देश भर से यहां पर 3000 से भी ज्यादा प्रतिनिधि मौजूद हैं। बेहतर सड़क निर्माण के लिए यहां पर विचार विमर्श किया जाएगा और देश भर से अलग अलग प्रतिनिधि अपने इतिहास लेकर आएंगे। छत्तीसगढ़ के लिए यह कार्यक्रम बेहद उपयोगी साबित होने वाला है। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उपस्थित रहे और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे हैं। उसमें से 4 लेन करने के लिए डीपीआर की भी स्वीकृति देता हूं और डीपीआर के बाद ये काम की शुरुआत भी होगी, ये आपको विश्वास देता हूं। धमतरी से जगदलपुर NH 30, रायपुर से बलोदा बाजार सारंगढ़ NH 130D, कटदोरा से अंबिकापुर NH 130, बिलासपुर से अकलतरा रायगढ़ ओडिशा बॉर्डर, ये चारों हाईवे को 4 लेन करने की मैं अनुमति देता हूँ। आप DPR बनाइए और जल्दी भेज दीजिए। फिर सिंगल लेन टू 2 लेन पांडुका टू झरिया बहार NH 130C, झरिया बहार टू मंदाकगुड़ा NH 130C, इसको भी मैं तुरंत DPR बना दीजिए, हम मंजूरी देंगे। रायपुर शहर में 4 फ्लाईओवर को मैं आज मंजूरी घोषित कर रहा हूँ। सरोना चौक, उद्योग भवन चौक, तेलीगंधा चौक और धनेली जंक्शन, ये चारों जगह पर फ्लाईओवर मंजूर करने की घोषणा करता हूं। और वन टाइम इम्प्रूवमेंट में पौंडी, पंडरिया, तख्तपुर, मुंगेली और अंबिकापुर, इनको मैं वन टाइम डेवलपमेंट में भी इस काम को मंजूरी देता हूं और 900 करोड़ CRF में भी मंजूरी दे रहा हूं। टोटल 20,000 करोड़ रुपए के ये काम इसकी मंजूरी प्रदान कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में साइंस कॉलेज मैदान में इंडियन रोड कांग्रेस अधिवेशन का आज शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में तेजी से अधूरा संरचना का विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों को गुणवत्तापूर्ण सड़कों के माध्यम से मुख्य मार्गों से जोड़ा जाए, क्योंकि मजबूत अर्थव्यवस्था के निर्माण में पक्की गुणवत्तापूर्ण सड़कों का विस्तार हमारी सबकी बड़ी ताकत है। वर्ष 2028 तक हमने छत्तीसगढ़ के GSDP को दोगुना करते हुए 10 लाख करोड़ रुपए करने का निश्चय किया है। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हम राज्य में अधोसंरचनाओं का तेजी से विकास कर रहे हैं। इसके लिए
विश्व स्तरीय आधुनिकतम तकनीकों को अपना रहे हैं और आगे भी इसके लिए लालायित हैं। छत्तीसगढ़ में मजबूत अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए सड़कें हमारी सबसे बड़ी ताकत होंगी। राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों में परिवहन के अन्य संसाधनों की तुलना में सड़कों का विस्तार कहीं ज़्यादा सुविधापूर्ण है। पिछले 10 वर्षों में छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों का अच्छा विकास हुआ है। रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर सहित अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं तेजी से चल रही हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास पिछले 5 वर्षों के दौरान अवरुद्ध सा हो गया था। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाने की है। हम प्रदेश के दुर्गम से दुर्गम क्षेत्रों को भी मुख्य मार्गों के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। इस विशाल भूभाग में हम इस चुनौतीपूर्ण काम को कम समय, कम लागत, किंतु टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण तरीके से करना चाहते। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद और अलगाववाद का काला दौर लाना चाहती है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 और 35 ए को फिर से लाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव का समर्थन कर कांग्रेस ने देश को तोड़ने का कुचक्र फिर से चल दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कल विधानसभा में जो भी कुछ हुआ वो पाकिस्तान और देश विरोधी लोगों को खुश करने के लिए किया गया, जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह करने के लिए किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज जो देश की एकता के लिए खड़े हैं जम्मू कश्मीर, वे विकास और शांति के पक्ष में खड़े हैं। उन्हें मार्शल के जरिए बेरहमी से जम्मू कश्मीर विधानसभा से बाहर निकाला जा रहा है। कांग्रेस, एनसी, पीडीपी ये सब जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद को लाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में केंद्र द्वारा धारा 370 और 35 ए को हटाया गया है, तब से जम्मू कश्मीर में खुशहाली आई है, अमन चैन स्थापित हुआ है, वहाँ शांति आई है और जम्मू कश्मीर में इसके बाद आतंकवाद की घटनाओं में 70% की कमी आई है, नागरिकों के मृत्यु में 80% की कमी आई है और विदेशी नागरिकों के पर्यटन में 300% का इजाफा हुआ है। जम्मू कश्मीर का बजट 70% बढ़ा है और आतंकवाद वहाँ पर मात्र 2-3 जिलों में सिमट कर रह गया है। वहाँ जो मतदान 5-7% होता था, आज बढ़कर 50% हो गया है। वहाँ पर G20 का भी बैठक सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। केंद्र शासन द्वारा 80,000 करोड़ का विशेष पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए दिया गया और 56,000 करोड़ का निवेश वहाँ पर आया। ये सब केंद्र द्वारा वहाँ से धारा 370 और 35 से हटाने के कारण हुआ, जो कांग्रेस को रास नहीं आ रही है। और कल जो विधानसभा में धारा 370 और 35 से बहाली के पक्ष में जो प्रस्ताव लाया गया, ये बिल्कुल ही निंदनीय है। और जिस तरह से हमारे भाजपा के विधायकों को मार्शल के द्वारा विधानसभा से बाहर किया गया, ये लोकतंत्र की हत्या है और इसको इस देश की जनता कभी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। कांग्रेस फिर से इस जम्मू कश्मीर में अशांति बहाल करना चाहती है, वो कभी अपने मनसूबे पर कामयाब नहीं होने वाली। नगर निगम प्रवक्ता मृत्युंजय दुबे का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस मान चुकी है कि पिछले 5 सालों में रायपुर महापौर एजाज डेबर का कार्यकाल असफल रहा है। उनके कार्यकाल में रायपुर में सिर्फ घोटाले, भ्रष्टाचार और हवाई योजनाएं ही बनी हैं। इसका असर रायपुर दक्षिण के चुनाव में भी दिखेगा, इसलिए उन्होंने महापौर एजाज डेबर को रायपुर दक्षिण के चुनाव प्रचार में दूर रखा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि डेबर जी अब जनता के बीच जाने लायक बचे नहीं हैं, क्योंकि जनता के सवालों का उनके पास जवाब नहीं है।
जांच ढेबर का कार्यकाल पिछले 5 वर्षों का शून्य रहा है, वह सफल रहे हैं। विकास के मामले में महापौर जांच ढेबर का कार्यकाल घोटालों, भ्रष्टाचारों और हवाई योजनाएं बनाने में ही लगा रहा। उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं करा पाया, इसलिए कांग्रेस पार्टी महापौर एजाज ढेबर को रायपुर दक्षिण उपचुनाव से अब तक अलग रखी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जानती है कि जनता के सवालों का महापौर एजाज ढेबर के पास कोई जवाब नहीं है कि महापौर ने पिछले 5 साल में कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ मिलकर रायपुर शहर में क्या विकास कार्य करवाए हैं। जनता से वो मुँह छुपा रहे हैं। ढेबर जी, आप कब तक जनता से मुँह छुपाओगे? अभी तो दक्षिण उपचुनाव चल रहा है, आने वाले समय में दक्षिण उपचुनाव के बाद रायपुर नगर निगम का चुनाव होना है। जनता को 5 सालों का कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के महापौर को हिसाब देना होगा। एक भ्रष्टाचार घोटाले में डूबी कांग्रेस के महापौर एजाज ढेबर का कार्यकाल जनता भूली नहीं है। रायपुर शहर को गड्ढापुर बनाने वाले, रायपुर की जनता को प्यासा छोड़ने वाले, त्योहारों में दिवाली में, दशहरा में, दुर्गा पूजा में, गणेश पूजा में आप रायपुर शहर के को गड्ढापुर में बदले थे, इसका जवाब जनता को देना पड़ेगा। राजधानी रायपुर में दक्षिण उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही तैयारियां तेज हो गई हैं। लगातार प्रचार प्रसार का दौर जारी है और इसी कड़ी में आज कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता प्रचार प्रसार में जुटेंगे। मामले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि आपने परिणाम तो देखा ही है, पहले भी प्रचार प्रसार ये लोग करने जाते थे लेकिन इसका कोई भी फायदा उन्हें नहीं हुआ है। दक्षिण विधानसभा सीट से 8 बार से बीजेपी के विधायक चुने गए, उनका भी कहना है कि इस बार भी बीजेपी प्रत्याशी को जीत मिलेगी। ये पहले भी सब मिलकर काफी प्रचार कर चुके हैं, विधानसभा में, लोकसभा में, आपने इनका परिणाम देखा है, यहाँ भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा की हमारी जीत वहाँ सुनिश्चित है। 45-40 साल से हमारा भाजपा का वहाँ 8 बार से विधायक है, 9वां बार भी विधायक बनेंगे। देखिए, चुनाव में एक वातावरण बनता है, परंतु आजकल के जो वोटर हैं वो सभी जानते हैं कि वोट किसको देना है, किसको चुनना है, इससे किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। कोंडागांव के फरसगांव में विकास खंड स्तरीय बस्तर ओलंपिक प्रतियोगिता का शुभारंभ आज केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम के मुख्य आतिथ्य और गणेश दुर्गा की अध्यक्षता में आदर्श विद्यालय फरसगांव के खेल मैदान में हुआ है। इस दौरान उन्होंने सभी खिलाड़ियों के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। इस दौरान विधायक और कलेक्टर कुणाल दुदावत ने मैदान में पहुंचकर खो खो खेल के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और अच्छे प्रदर्शन के लिए उनका उत्साहवर्धन किया। आज के खेल में 14 से 17 आयु वर्ग के महिला और पुरुष प्रतिभागियों ने खो खो का और साथ ही रस्साकसी प्रतियोगिता के कुल 328 प्रतिभागियों ने अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया है। निर्धारित स्थल में आपको बताते चले कि वॉलीबॉल, कबड्डी खेल का आयोजन किया जाएगा। पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज रायपुर अमरेश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपात्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एंटी क्राइम और साइबर यूनिट को आईपीएल क्रिकेट मैच 2024 के सीजन में क्रिकेट मैच के दौरान सट्टा खेलने या खिलाने को लेकर प्रशासन सख्त है, जिसको लेकर ऐसे व्यक्तियों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के साथ ही क्रिकेट सट्टा के कारोबार पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए निर्देशित किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के निर्देश पर थाना प्रभारी मौदाहापारा निरीक्षक यामान कुमार देवांगन के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में सफलता प्राप्त हुई है। मामले के आरोपी बाबूलाल पाटले का पता तलाश कर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। आरोपी के कब्जे से एक चाकू जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में बुजुर्ग के सिर पर टांगे से हमला कर उसकी हत्या करने का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने हत्या में सहयोग करने वाले एक अन्य व्यक्ति को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल भंडार टोली में 7 नवम्बर की रात को करीब 9 बजे
हर्रा टोली निवासी जितेंद्र कुजूर अपने एक दोस्त नीलू टोपो के साथ में उसका पिकअप वाहन किराए पर लेकर अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचे और इस दौरान मलुआ नगेशिया ने इसका विरोध भी किया तो गुस्से में आकर जितेंद्र कुजूर ने पास में रखे टांगे से उसके सिर पर वार कर दिया, जिसमें बुजुर्ग बुरी तरह से घायल हो गया था और उपचार के दौरान 8 नवंबर को बुजुर्ग की अंबिकापुर के जिला अस्पताल में मौत हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले की कार्रवाई में जुट गए हैं। निवासी जितेंद्र कुजूर है, जिसकी प्रेमिका भरतपुर भंडार टोली में रहती है, अनीता नाम है, उनसे 2 वर्षों से प्रेम संबंध था और ये जो है अक्सर अपने पत्नी प्रेमिका से मिलने जाता था, जिससे इसका प्रेमिका के जो पिता है वो ऐतराज़ दर्ज करता था और वो मना करता था और दिनांक घटना को भी ये अपनी प्रेमिका से मिलने गया था और ऐतराज़ कर रहा था क्यों आए हो करके। इसी बीच में ये गुस्से में आकर टांगी से रखे उसके सिर में एक बार वार कर दिया था, जिसे प्रथम दृष्टया हत्या का प्रयास का अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया और डॉक्टर द्वारा उसको रेफर करने पर उसकी जो है अंबिकापुर जिला चिकित्सालय में मृत्यु हो गई है। अभी 103 BNS जोड़कर कार्रवाई की जा रही है आरोपी को। नीरा सोनी ने थाना आजाद चौक में रिपोर्ट दर्ज कराया तो वो मोहबा बाजार डूबर तालाब तिवारी, आपको बताते चले कि कॉलोनी में रहती हैं और बैरन बाजार स्थित बाल गोपाल चिल्ड्रन हॉस्पिटल में नर्स का कार्य करती हैं। महिला ने बताया कि हॉस्पिटल में वो कार्यरत हैं, रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने महिला से उसके हैंडबैग को झपटा मारकर छीन लिया और मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस महिला की शिकायत पर अज्ञात लोगों ने FIR भी दर्ज की और मामले की जांच में जुट गई है। नीरा सोनी ने थाना आजाद चौक में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मोहबा बाजार डूमर तालाब तिवारी कॉलोनी में रहती हैं और बैरन बाजार स्थित बाल गोपाल चिल्ड्रन हॉस्पिटल में नर्स का कार्य करती हैं। महिला ने बताया कि हॉस्पिटल में वो कार्यरत हैं और रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने महिला से उसके हैंडबैग को झपटा मारकर छीन लिया और मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस महिला की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जांच में भी जुट गई है। तो वहीं जिले के बुधनी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर की स्थिति है। जैसे जैसे मतदान का समय नजदीक आ रहा वैसे वैसे दोनों पार्टियों के बड़े नेता क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इसी सिलसिले में आज ग्राम लाटकुई में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में एक भव्य जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित क्षेत्र के अन्य प्रमुख नेता और विधायक शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी सरकार के 20 साल के विकास कार्यों का उल्लेख किया है, जनता को बीजेपी के समर्थन में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उसे विकास कार्यों में विफल बताया और कहा कि बीजेपी की सरकार ने क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। माहौल बना है हमारे प्रत्याशी रमाकांत भार्गव जी के लिए, एक अनुकूल माहौल बना हुआ है और यशस्वी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा है और जनता के भी जिस प्रकार से कनेक्शन दिख रहा है और जनता का विश्वास में भरोसा है, जब देश में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो एक बार फिर विकास के लिए जनता हमारे इस उपचुनाव में भारी बहुमत से हमारे प्रत्याशी को जिताएगी। मेरी अपनी ओर राबुड़े में इतना ही, नमस्कार।